हार्दिक पांड्या के सामने शर्मा जी की टीम ने टेके घुटने। शर्मनाक हार से टूटा मुंबई इंडियंस के फैंस का दिल। गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में भी फ्लॉप रही पूरी टीम, करारी हार का जिम्मेदार कौन? 5 पार की विजेता टीम का हाल देखकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी मायूसी। क्या अपनी टीम को नहीं संभाल पा रहे कप्तान रोहित शर्मा, कहां हो रही है चूक? डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 5 पार की विजेता मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2023 के मुकाबले में आसानी से हरा दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात की टीम ने 55 रनों से जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी के बाद अभिनव मनोहर और डेविड मिलर के बीच 35 गेंद में 71 रन की साझेदारी के दम पर गुजरात टाइटंस 6 विकेट पर 207 रन बनाए। मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही, अंतिम में पूरी कोशिश के बाद भी टीम 9 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए 34 गेंद में 7 चौके और 1 छक्के से 56 रन बनाए। मनोहर ने 21 गेंद में 42 रन की पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए, जबकि मिलर ने 22 गेंद में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए। आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया ने 5 गेंदों में 3 छक्के की मदद से नाबाद 20 रनों का योगदान दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने आखिरी 4 ओवर में 70 रन लुटाए। टीम के लिए पीयूष चावला 2 विकेट के साथ सफल गेंदबाज रहे। अर्जुन तेंदुलकर 2 ओवर में 9 रन, जेसन बेरनडॉफ 4 ओवर में 37 रन, कुमार कार्तिकेय 4 ओवर में 39 रन और राइली मेरेडिथ ने 4 ओवर में 49 रन को एक एक सफलता मिली। कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर में 39 रन लुटा दिए। पहले गेंदबाजी का फैसला करने के बाद तेंदुलकर और बेरनडॉफ ने शुरुआती 4 ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की। तेंदुलकर ने 3रे ओवर में विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों रिद्धिमान सह 7 गेंद में 4 रन को कैच कराया। गिल ने 6रे ओवर में ग्रीन के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका लगाने के बाद छक्का जड़ा। टीम ने इस ओवर में 17 रन बटोरे, जिससे पावर प्ले के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट पर 50 रन था। 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए पीयूष चावला ने ही पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या 14 गेंद में 13 रन को चलता कर दिया। विजय शंकर ने 10वें ओवर में कुमार कार्तिकेय के खिलाफ छक्का जड़ा। गिल ने इसी ओवर में चौका लगाने के बाद 1 रन चुराकर 30 गेंद में अपना 50 पूरा किया। गिल हालांकि गेंदबाज के अगले ओवर में फिरकी में फंस गए और लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। चावला ने 13वें ओवर में शंकर को पवेलियन की राह दिखाई। मिलर ने 14वें ओवर में कार्तिकेय के खिलाफ अपना पहला छक्का जड़ा, तो वहीं अभिनव मनोहर ने चावला के ओवर में 2 चौके और छक्का लगाकर 17 रन बटोरे। 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ग्रीन के खिलाफ मनोहर ने लगातार 2, जबकि मिलर ने 1 छक्का लगाया। गुजरात ने इस ओवर में 22 रन बटोरे। मेरेडिथ ने अगले ओवर की पहली गेंद पर मनोहर को आउट किया, लेकिन राहुल तेवतिया ने क्रीज पर कदम रखते ही छक्के के साथ खाता खोला। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर मिलर ने छक्का लगाया। तेवतिया ने आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के के साथ टीम के रनों को 200 के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर में मिलर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। एक बार फिर सूर्य कुमार यादव नाम बड़े पर दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब में आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव फिर सस्ते में निपट गए। मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार यादव से उम्मीद थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव शर्मा जी की उम्मीदों पर खरा न उतर सके। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का इतना बुरा हाल देखकर मुंबई इंडियंस के फैन बेहद निराश हैं।